हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अश्वी विराज। हमने लास्ट वीडियो में मेवाड़ वंश राजवंश किया था, जो हमारा पार्ट वन था। आज हम पार्ट टू करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मंत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया, तो इसका आंसर होगा भगवान दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा राज सिंह का शासनकाल था, तो महाराणा राज सिंह का शासनकाल 1652 से लेकर 1680 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी, तो आंसर होगा महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो आंसर होगा 1576 में। इसकी व्याख्या है, 1576 में अकबर व महाराणा प्रताप के बीच युद्ध लड़ा गया, जिसमें राणा का पठान सेना नायक हकीम का सूरी था व मुगल सेना नायक मानसिंह कछुआ आमेर का था। इस युद्ध में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार बदायूं ही था जिसने इस युद्ध का गोकुंदा को युद्ध कहा। कर्नल टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोली व अब्दुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शासक मुगलों के सामने नहीं झुका, तो आंसर होगा महाराणा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा की हत्या किसने की, तो आंसर होगा उदा। इसकी व्याख्या है, कुंभा के बड़े पुत्र उदा उदयकरण ने 1468 में कुंभा की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था, तो आंसर होगा खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के तीन सुरमा सरदारों में एक मुसलमान था जिसका नाम था, आंसर होगा हकीम खां सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1567 से 1568 में चित्तौड़ के मुगल घेरों के दौरान दो राजपूत सामंतों ने दुर्ग की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे, उनके नाम हैं जैमल और फत्ता। इसकी व्याख्या है, अकबर ने 1567 के चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय राजपूत सामंत जैमल व फत्ता दुर्ग की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। 25 जनवरी 1568 को अकबर के किले के अधिकार के बाद उनकी वीरता प्रभावित होकर अकबर ने आगरा के किले में जैमल व फत्ता की हाथियों पर चढ़ी हुई उनकी पाषाण मूर्तियां बनाकर किले के द्वार पर खड़ी कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी थी, तो आंसर होगा पन्नाधारी ने, जिन्होंने अपने बेटे चंदन के का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्नाधारी व दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है, तो आंसर होगा देश के लिए बलिदान की स्वामी भक्ति थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था, तो आंसर होगा महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी का गोरा व बादल से क्रम से क्या रिश्ता था, तो आंसर होगा चाचा व भाई का, गोरा चाचा था व बादल भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताने के किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी को कठोर संघर्ष करना पड़ा, तो आंसर होगा चित्तौड़ रणथंभौर और सिवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें अभिनव भरतनाचार्य के नाम से भी जाना जाता है, तो आंसर होगा महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा संगीत प्रेमी होने के कारण उन्हें अभिनव भरतनाचार्य तथा राजपूताने के सभी शासकों में सर्वोपरि होने के कारण उन्हें हिंदू सुल्तान साहित्यकारों को आश्रयदाता होने के कारण इन्हें राणा रासो पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण इन्हें हाल गुरु और राजनीतिक सिद्धांतों में इन्हें दक्षता के कारण राजगुरु की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं को राखी किसने भेजी, तो आंसर होगा कर्णावती ने। इसकी व्याख्या है, राणा सांगा की रानी हांडी कर्णावती के अलग पुत्र विक्रमादित्य 1531 से 1536 के शासनकाल के समय 1535 में गुजरात के शासक बहादुर
शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ के रक्षक कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना सिर काटकर भेंट कर दिया वह थी, उसका नाम है रानी हांडा या हांडा हाड़ी रानी या सैल कवर। इसकी व्याख्या है, सैल कवर हांडा वंश की राजकुमारी महाराणा राज सिंह सिसोदिया के युवा सामंत रतन सिंह चुंडावत की नवविवाहित पत्नी थी। महाराणा राज सिंह व चारुमती के विवाह के अवसर पर औरंगजेब की सेना को रोकने की जिम्मेदारी रतन सिंह को सौंपी गई थी। तब उसने युद्ध के मैदान में अपनी रानी से निशाने मांगी तो हांडी रानी ने अपना सिर काटकर उनको दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुगल इतिहासकार कौन था जो हल्दीघाटी के युद्ध में मौजूद था? तो आंसर होगा बदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा सांगा ने जिस अफगानों को शरण दी थी वे थे? तो आंसर होगा महमूद लोदी व हसन खाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह के कारण जयपुर व जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ वह किसकी पुत्री थी? तो आंसर होगा भीम सिंह की। इसकी व्याख्या है, मेवाड़ के राणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई जोधपुर के भीम सिंह के साथ हुई। भीम सिंह जोधपुर के असामयिक मृत्यु होने पर मेवाड़ वालों ने कृष्णा कुमारी का विवाह जयपुर के राजा जगत सिंह के साथ तय कर दिया, जिससे जोधपुर का राजा मानसिंह नाराज हो गया। परिणाम स्वरूप जगत सिंह व मानसिंह के मध्य विवाह शगुन को लेकर घिंगोली का युद्ध हुआ, जिसमें अमीर खां पिंडारी ने जोधपुर नरेश मानसिंह का साथ दिया तथा भीम सिंह का दबाव डाला कि कृष्णा कुमारी को जहर देकर मरवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मिनी किसकी पुत्री थी? तो आंसर होगा सिंगल दीप नरेश गदर्व सेन की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित किया और युद्ध उपरांत राजपूतों के सिरों की मीनार बनाई? तो आंसर होगा बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा अमर सिंह व खुरम के मध्य संधि कब हुई? तो आंसर होगा 5 फरवरी 1615 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को नाम दिया गया? तो आंसर होगा खिलजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई? तो आंसर होगा मालदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पंक्ति किसके प्रसिद्ध है? चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो क्षेत्रानी। तो आंसर होगा सहल कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बूंदी राज्य पर एकाधिकार किया? तो आंसर होगा खातोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडलगढ़ भीड़वाला में किसकी समाधि स्थित है? तो आंसर होगा राणा सांगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1527 में महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ? तो आंसर होगा भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवेर के युद्ध अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी? तो आंसर होगा चावंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा कवि था? तो आंसर होगा अमीर खुसरो। इसकी व्याख्या है, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया। इस दौरान सुल्तान के साथ प्रसिद्ध लेखक कवि अमीर खुसरो भी था। खजाइल उल फुतून में अमीर खुसरो ने इस युद्ध को आंखा देखा वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरमाड़ा का युद्ध हुआ? तो आंसर होगा शेरशाह के सेनानायक हाजी खां और उदय सिंह के मध्य। इसकी व्याख्या है, 1557 में उदय सिंह व मेवात के हाजी खां के मध्य हुआ, जिसमें हाजी खां विजय रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खातोली किस जिले में आता है? तो आंसर होगा बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को
जेमल व फत्ता के प्रबल विद्रोह का सामना करना पड़ा? तो आंसर होगा चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई थी? तो आंसर होगा महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो आंसर होगा 24 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा पूंजा की राजा किस राजा का सेनापति था? तो आंसर होगा राणा प्रताप। चलो दोस्तों, मेवाड़ राज्य के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको किसी और राजवंश के क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।